हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सेटअप में उसके इस्टेब्लिशमेंट में किस टाइप के प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट एंटरप्रेनर के लिए विनियोजन का एक अवसर है जिसमें प्रॉफिट के संभावना का पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। यदि प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाली आय का अनुमान या इनकम का प्रिडिक्शन उसकी संभावित लागत से अधिक होता है तो निश्चित ही ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट पर कार्य करने का निर्णय लिया जा सकता है। किंतु यदि अनुमानित लागत से या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट से संभावित आय से अधिक होए तो फिर ऐसी परियोजना के क्रियान्वयन का विचार त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि अगर कहीं पर हम किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तब तो हम डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के लिए हमें वर्क करना चाहिए। मगर जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उतना प्रॉफिट हमें कैलकुलेट नहीं मिल रहा है या उतना प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि उतना प्रॉफिट हमें मिलेगा, तो वैसे प्रोजेक्ट को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है कृषि परियोजना या कृषि प्रोजेक्ट के प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट तथा पॉसिबिलिटी इनकम्स की कंपैरिजन समीक्षा करके इसे प्रारंभ करने या ना करने का डिसीजन लेने की प्रोसेस को प्रोजेक्ट प्लानिंग कहा जाता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में प्रोजेक्ट के डिसीजन से लेकर उसे एग्जीक्यूशन करने तक सभी वर्ग एवं टेक्निक्स सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे विचारों की खोज, इनिशियल इंस्पेक्शन एंड सर्वे, एलिमेंट्स एवं इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, एग्जीक्यूशन एवं ऑपरेशन आदि एक्सेट्रा के बारे में हमें क्या होना चाहिए, सोचना पड़ता है और उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट जो है उसके आगे है प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पर्याप्त जांच पड़ताल या पर्याप्त इंस्पेक्शन और एनालिसिस के पश्चात ही यह डिसीजन लिया जाता है कि उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या नहीं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पहले हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग को प्रभावित या एक्सप्रेसिव या इम्प्रेसिव करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की पर गंभीरता से डेप्थ में हमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिविटी, तो परियोजना के लिए लगाए गए प्रस्तावित या वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं और वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, ना कि कल्पनाओं और भावनाओं पर। मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग में लगने वाले एक्चुअल एलिमेंट्स, इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक एनालिसिस पर आधारित होना चाहिए, ना कि इमेजिनरी और इमोशनली हमें किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पर काम करना चाहिए। सेकंड जो है विस्तृत अवलोकन मैंने वाइड ऑब्जर्वेशन, तो प्रोजेक्ट से संबंधित जो विभिन्न एलिमेंट्स और इंफॉर्मेशन की एक्चुअल एनालिटिकल एनालिसिस जो होती है उससे उसके इंफॉर्मेशन को क्या करना है, हमें प्राप्त करना है और उसके बारे में डिटेल में क्या करना है, अवलोकन किया जाना चाहिए, आवश्यक होता है। मैंने उसके बारे में डिटेल ऑब्जर्वेशन हमें क्या करना है या वाइड ऑब्जर्वेशन हमें उनकी उस तर्कों के बारे में करना है।
देन थर्ड जो है फिजिबिलिटी असेसमेंट। तो फिजिबिलिटी असेसमेंट में प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं इकोनॉमिकल एवं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के पश्चात फिजिबिलिटी असेसमेंट करके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। फोर्थ जो है एडिक्वेट फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त या सफिशियंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट होना अत्यंत जरूरी होता है। फिफ्थ जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़, प्रोजेक्ट से संबंधित सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने से प्रोजेक्ट में वैधानिक या फिर लीगल बैरियर या रुकावट नहीं आती है। सिक्स्थ टीम स्पिरिट, प्रोजेक्ट के निर्माण व उसके ऑपरेशन हेतु लगने वाले विभिन्न लोगों तथा टेक्नीशियंस एंड फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट कर्मचारियों एम्प्लॉयज़ और स्किल्ड लेबर के बीच कोऑपरेशन स्थापित करने हेतु उनमें टीम स्पिरिट का विकास जरूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है सोशल यूटिलिटी है। प्रोजेक्ट जो है आपका जो प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली फाइनेंशियली एवं इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी होने के साथ साथ सोशल यूटिलिटी को भी ध्यान देना होता है। नेशंस के सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के अनुसार प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना एक से उसकी सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। देन नाइन्थ जो है एक्शन प्लान, किसी प्रोसेस को स्थापित करने या प्रोजेक्ट को स्थापित या एस्टेब्लिश करने तथा उसे ऑपरेट करने या एग्जीक्यूट करने तक होने वाले सभी ऑपरेशंस की विधिवत सूची बनाकर एक निश्चित कार्य योजना हमें बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कर लेना से न केवल प्रोजेक्ट की स्थापना करने का वह संचालन करने की में आसानी होती है, बल्कि काफ़ी मात्रा में टाइम, कैपिटल और मेहनत की भी बचत की जा सकती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।